Subscribe and press the bell icon for latest update. जब देश के सबसे तेज भागते दौड़ते शहर के लोग रुक रहे थे, ठहर रहे थे, नींद की आगोश में समा रहे थे, तभी मुंबई के पौस इलाके लोअर परेल में आधी रात को मौत का तांडव शुरू हुआ और इस तांडव ने 11 बेशकीमती जान ले ली। एक दर्जन से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 28 साल की खुशबू बंसल अपने जन्मदिन की पार्टी में अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस खुशी के पल को गुलजार कर रही थी। जश्न में सराबोर थी, तभी मनहूस आग ने इस खुशी पर मौत की बारिश कर दी। मौजो रेस्टोरेंट में आग लगी और इस आग ने खुशबू बंसल के कई करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को मौत की नींद सुला दी। जब रेस्टोरेंट में आग लगी तो ये लोग जान बचाने के लिए एग्जिट डोर की तरफ दौड़े, लेकिन वहां सामान रखा हुआ निकलने का रास्ता बंद था। किसी मदद की उम्मीद करते लेकिन तब तक रेस्टोरेंट के लोग भाग निकले। जान बचाने की कोई सूरत ना दिख, टॉयलेट में जान की अमान समझी और वहां घुस गए, लेकिन मौत उनका पीछा कर रही थी। टॉयलेट में धुआं घुसता गया और दम घुटने और जलने से लोगों की मौत हो गई। मोजो रेस्टोरेंट में आग रात को 12:30 बजे लगी और ये आग दूसरे 3 रेस्टोरेंट में फैलने के साथ पूरी बिल्डिंग में फैल गई। दमकल विभाग की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना की जांच का आदेश दे दिए। बीएमसी कमिश्नर ने इस घटना की जांच करेंगे। इस दुखद घटना से पूरा देश सदमे में है। अनेक राजनेताओं ने इस पर दुख व्यक्त किया है। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।